अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ 9 नंबर गलती के बारे में जी, गहरे करो, सॉरी 10 नंबर गलती, फुल घुमाओ, जल्दी घुमाओ ना यार। ये देखे, यहाँ जो गाड़ी इसकी सीधी हुई ना, ये देखे, थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ऐसे आया, या ऐसे जाके फिर ऐसे आया, ये 10 नंबर गलती है। हाँ समझ आई, सीधा जाओ। वो 10 भी डाल सकता है इसमें, लिमिटेड एरिया से आप ऊपर गए हो, अगर ऊपर जाते हो तो, अगर ऐसे लेफ्ट जाओ, अगर ऐसे जाके ऐसे करते हो ना तो वो 9 भी डाल सकता है उसमें, कि कटिंग सही नहीं है आपकी, स्टेयरिंग कंट्रोल भी ठीक नहीं है। तो एक एक जगह पे देखो कितनी उसने पॉइंट्स डाल दिए। ओवरऑल मतलब ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कंट्रोल में, समझ आ गई है जी? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि चेक करो। ज़्यादातर यूटर्न में 10 नंबर गलती डालते हैं। 10 नंबर गलती का मतलब यही है कि आपकी गाड़ी जो है ना वो लिमिटेड एरिया से ऊपर गई है। जैसे इन्होंने गाड़ी सीधी करनी थी इधर, तो थोड़ी सी ऐसे जाके अगर ऐसे जाते हैं, वो लाइन टच कर देते हैं ऊपर वाली, तो ये 10 नंबर में आएगा। या ऐसे जाके लाइन टच करके फिर ऐसे करते हैं सीधी, तो ये 10 नंबर में आएगा। सेम लाइन में तेज करो गाड़ी, एग्जिट करो। ये रास्ते के सामने आ गए आप, ये देखो रास्ता था ना। हाँ तो ये 8 नंबर गलती है, रूल को फॉलो नहीं किया आपने, ठीक है। 8 नंबर गलती, बहुत कुछ बारीकियाँ 8 नंबर गलती में। 8 नंबर गलती में है कि आप ये साइन बोर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, आप कहीं पर रूल वायलेट कर रहे हो। आप एग्जामिनर, जैसे कि आपको कहता है एग्जामिनर, कहता है यहाँ से राइट जाओ, आप आगे जाके कहते हो हाँ मैंने राइट जाना था, मतलब आप फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ आपने अच्छे से बात नहीं सुनी एग्जामिनर की, ठीक है, राइट जाओ, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। या जहाँ पे प्रॉपर आपका रुकना स्टॉप पे बनता, आप रुके नहीं हो, ऐसे डायरेक्ट दबा दिया आपने, राइट जाओ, ठीक है। ये सारी गलतियाँ, जो रूल की कोई भी गलती है, या गाड़ी चलाते हुए घबराए हुए लग रहे हो आप, ठीक है, आप एग्जाम में, यानी जैसे मैं वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपके तोते उड़े हुए हैं, ब्रेक करो, गेरे करो, चेक करके जाओ, चलो। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये 8 नंबर में आता है। 8 नंबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिलेटेड। और दूसरी बात एक और है कि एग्जामिनर जो है ना वो रिलेटेड गलतियां डालता है, मतलब उसमें तो ओनली पॉइंट्स तो 23 हैं, तो लेफ्ट जाओ, पूरी ड्राइविंग 23 थोड़े ही है पॉइंट्स। उसने फिर क्या करना है कि जो आपने गलती की है उसको जो लगा है उससे रिलेटेड को पॉइंट दे के उन्हीं पॉइंट्स में से उसने नेगेटिव पॉइंट दे देना है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो 23 पॉइंट्स है ना, जो नेगेटिव पॉइंट्स का जो चार्ट होता है, तो उसमें कुछ लोग के देखते हैं कि यार मेरी तो, जैसे आप देखते हो कि आपकी 10 नंबर गलती है, तो आप अपने जो टीचर हैं या जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, अजमान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप उनको कहते हो कि सर मेरी तो ये जो है ना 10 नंबर गलती आई है, तो आपका इंस्ट्रक्टर यूटर्न करो, आपके इंस्ट्रक्टर कह देते हैं हाँ भाई आपने यूटर्न सही नहीं किया था, किया होगा, तो आप कहते हैं यार मैंने तो यूटर्न किया ही नहीं, तो मुझे फिर उसने यूटर्न की गलती क्यों दे दी? तो ऐसा नहीं होता, उन्होंने क्या करना होता है, जाओ जैसे ये देखें ये गाड़ी इनकी ये लाइन के इधर इस तरफ सीधी हो रही है, हालांकि इधर सीधी होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये गलत है, ये 10 नंबर गलती है, ठीक है। हाँ तो आप फिर आप कहते हो यार मैंने तो यूटर्न किया ही नहीं है, तो एग्जामिनर ने कैसे 10 नंबर गलती दे दी? तो ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है कि जैसे आपने कहीं से भी कट लिया ना, तो आपकी गाड़ी प्रॉपर सीधी नहीं आई है, तो एग्जामिनर आपको उसमें भी 10 नंबर दे सकता है। बात समझ आ गई मेरी? उम्मीद है जी आपको भी समझ आई होगी कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, आपने वो काम नहीं किया तो इसलिए आपको उसने गलत दे दिया, उससे रिलेटेड उसने देने, उसने वो पॉइंट देखना होता है कि जो आप मिस्टेक कर रहे हो उससे रिलेटेड उसने पॉइंट जो है ना मार्क करना होता है उसमें, ठीक है। तो ये जो सारा चार्ट है ना गलतियों का, तो उसमें जो गलतियाँ आपकी आती हैं, तो ज़रूरी नहीं, राइट जाओ, ज़रूरी नहीं कि जो उसमें मेंशन किया हुआ है वही आपने गलती की है। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट जाओ। जिस जिसको समझ आया कमेंट सेक्शन में यस लिखे, जिसको समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में नो लिखे, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और उसमें जो भी कोई पॉइंट, जिस चीज़ का जो पॉइंट है, अपना अपना पॉइंट लिख के भेजे मुझे, ठीक है। मैं किसी दिन जो है ना वो कंप्लीट चार्ट की एक वीडियो बनाऊंगा, 2-3 सेशन में होगी, एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगी, तो एक पूरी सीरीज बनाता हूँ 23 जो पॉइंट्स है ना वो चार्ट में पास रख के, तो पूरे 23 पॉइंट्स की वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए,
ठीक है जी, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बंदा डर रहा है गाड़ी चलाते हुए, घबराया हुआ है, गाड़ी ये सही चला रहा है लेकिन इसके ड्राइविंग स्टाइल सही नहीं है, इस वजह से यू टर्न करो, इसको 8 नंबर गलती दी है उसने, तो मैंने अभी 8 नंबर इसको एक्सप्लेन किया इसी वजह से कि तुम्हें इसी वजह से फेल किया उन्होंने। तो चलें ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।